बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वी लॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और आपका मशकूर होगा। और अगर आप नहीं करते तो फिर भी आप ये वीडियो देखिएगा और अपना फ़ीडबैक नाज़रीन लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, आज एक लाइट टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, और ये ऐसा टॉपिक है जो पाकिस्तानी बड़े शौक से सुनना चाहते हैं और शौक से इस जो सहूलत है फैसिलिटी उसको अवेल भी करते हैं, और जहाँ से उनको पैसा आने की उम्मीद हो और कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा पैसे आने की उम्मीद हो, वो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये सिर्फ़ पाकिस्तान का नाज़रीन ट्रेंड नहीं है, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा ट्रेंड है। तो नाज़रीन, आपको मैं आज बताता चलूँ, आज की एक अहम डेवलपमेंट पाकिस्तानियों के लिए है कि जो मेरे भाई बहनें, बुज़ुर्ग ख़वातीन, बच्चे बच्चियाँ जो हैं, दोस्त और जो जानने वाले हैं, जो बेसिकली प्राइस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इस नीयत के साथ कि उनका कहीं कूड़ांदाज़ी में नाम निकल आए और वो ज़्यादा पैसे कमा लें, उस हवाले से आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट आई है। नाज़रीन, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जो वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आगे फाइनेंस डिवीज़न ने नाज़रीन डेट एक्सटेंड कर दी है प्राइस बॉन्ड्स जो पाकिस्तानी ख़रीदते हैं उसको कैश करवाने की, और अगर आपने तबादला करना है प्राइस बॉन्ड्स का, रिप्लेसमेंट और कन्वर्जन, उस हवाले से डेट नाज़रीन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये डेट अनाउंस कर दी गई है। प्राइस बॉन्ड्स जो हैं जिनकी आप इनकैशमेंट को कैश भी करवा सकते हैं, रिप्लेस भी करवा सकते हैं और कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, वो हैं 40,000 वाले नाज़रीन, 40,000 के बाद 25,000 वाले बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड्स, और फिर 15,000 वाले, और फिर 7,500 डिनोमिनेशन के जो नेशनल प्राइस बॉन्ड्स हैं उनकी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टेट एक सर्कुलर जारी नाज़रीन किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को ये कहा है कि लास्ट डेट जो है नेशनल प्राइस बॉन्ड्स की, जो कि पहले जून की 30 थी, यानी 30 जून 2024 थी, उसको अब एक्सटेंड कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, और ये एक्सटेंड करके नाज़रीन डेट कर दी गई है आपकी, आपको बताता चलूँ, और ये आपके लिए खुशखबरी है, 31 दिसंबर 2024 यानी इस साल का आखिरी दिन जो है 31 दिसंबर तक आप अपने नेशनल प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उनको इनकैश करवा सकते हैं, उनको आप रिप्लेस करवा सकते हैं, उनको आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। और सेंट्रल बैंक ने नाज़रीन बैंक्स को ये कहा है कि अपना वो ब्रांच और रीजन वाइज, अपने जितने बैंक हैं पाकिस्तान में उनकी ब्रांच और रीजन जो है ना, रीजन के हिसाब से जो है डिनोमिनेशन जो है नेशनल प्राइस बॉन्ड्स की, वो जो है उस हवाले से लास्ट डेट को 31 दिसंबर में कन्वर्ट कर दें, और लेटेस्ट यानी जो वो करेंगे, सबमिशन करेंगे, वो जनवरी 2, 2025 तक जो है वो कर दें। और ये बेसिकली स्टेट बैंक की तरफ से नाज़रीन अब डायरेक्शन गई है बैंक्स को, और तमाम कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनको ये एडवाइस किया गया है स्टेट बैंक की तरफ से कि वो सरेंडर कर दें प्राइस बॉन्ड्स, वो वाले प्राइस बॉन्ड्स सरेंडर कर दें नाज़रीन। कमर्शियल बैंक्स को स्टेट बैंक ने यह भी एडवाइस किया है कि जिन प्राइस बॉन्ड्स का जिक्र किया गया है उनको वो सरेंडर कर दें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बीएसई ऑफिस में 31 जनवरी 2025 तक। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट आपके साथ मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि हम पाकिस्तानी प्राइस बॉन्ड्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस नीयत से कि अगर कुरानदाज़ी में, जब भी कुरानदाज़ी होती है साल में कई एक से ज़्यादा दफ़ा होती है, तो उसके अंदर आप लोग इस ख्वाहिश के साथ उतरते हैं कि आपका कोई बड़ा उसमें प्राइज़ निकल आए। उसके प्राइजेस की मुख्तलिफ तादाद होती है, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, आपको पता है। तो इस हवाले से ये जो डेवलपमेंट आई है उसके बाद अब आप अपनी चॉइस के
जो हैं वो नेशनल प्राइस बॉन्ड्स जो हैं उनको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, चेंज भी करवा सकते हैं, कैश भी करवा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के सीरीज़ नंबर्स ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, आपसे फिर बात होगी।